कोतमा के कांग्रेस विधायक सुनील शराफ का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में सुनील शराफ फिल्मी गानों में जमकर थिरकते हुए फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी शिकायत पूर्व विधायक दिलीप जायसवाल ने पुलिस अधीक्षक से की है। वहीं भाजपा के मनोज द्विवेदी ने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और DGP के से इस घटना के बारे में संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी को विधायक सुनील शराफ ने जन्मदिन मनाया। जन्मदिन के अवसर पर विधायक के घर में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सभी लोगों के जाने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता भी मौजूद रहे, फिल्मी गानों पर डांस कर रहे थे। इस दौरान विधायक ने हार्श फायरिंग की। गनीमत रही कि इस फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई। इसके साथ ही जन्मदिन के कार्यक्रम में जैसे ही गाने बजे, कांग्रेस विधायक खुद को रोक नहीं पाए। धुन पर नाचते हुए विधायक मंच पर पहुंच हुए, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग कर दी। इसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के आने के बाद लोगों ने तरह तरह की प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की मांग की है। वहीं विधायक सराफ ने फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस विधायक का इस तरह पिस्टल लहराकर डांस करना गलत है। साथ ही अनूपपुर SP को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।